नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GM Funding। तो दोस्तों, मेरे को आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज जो है मैं ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा जो मेरे को कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। दोस्तों, आप में से कई लोग ये पूछ रहे हो कि भाई हमें किचन बनानी है तो उसमें मटेरियल क्या काम में लेना है, मतलब प्लाई काम में लें, MDF काम में लें कि HDF काम में लें कि WPC काम में लें। काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में, ऐसे में कन्फ्यूजन रहता है हमारे दिमाग में कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे किचन के लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, इसी पर है आज की वीडियो। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहले टाइप का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है MDF। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो है मीडियम डेंसिटी फाइबर वुड भी बोलते हैं। ये एक्शन कंपनी का आता है, सेंचुरी कंपनी का आता है, बाकी भी कई सारी कंपनीज का MDF आपको मिल जाएगा मार्केट में। दोस्तों, MDF को जो है इसकी सरफेस काफ़ी स्मूथ होती है, तो इसके अंदर क्या है कि कोई भी आप इसके ऊपर लेमिनेट लगाओगे या फिर PU करोगे, पेंट करोगे, तो उसका जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छा बैठता है। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो जो MDF है इसको हम जो है शटर्स के लिए काम में ले सकते हैं, जो किचन का शटर वाला पार्ट होता है, मतलब फ्रंट का हिस्सा जो दिखता है उसके अंदर काम में ले सकते हैं। अब इसका क्या है, स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू प्लाईवुड कम होती है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको कैबिनेट बनाने में काम में लें, लेकिन शटर के अंदर आप इसको काम में ले सकते हैं। इसके अंदर इंटीरियर ग्रेड और मतलब कॉमर्शियल ग्रेड और वाटरप्रूफ ग्रेड दोनों आती है, तो ऑब्वियसली आप किचन में काम में ले रहे हैं तो वाटरप्रूफ ग्रेड का MDF ही काम में लें। अगर इसकी रेंज की बात करें तो दोस्तों, इसकी जो रेट है वो 50 रुपये 55 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास आपको मिल जाएगी 18mm की, और बाकी थिकनेस के हिसाब से उसी रेट जो है अलग अलग वेरी करती है। दोस्तों, सेकेंड जो मटेरियल अपन डिस्कस करेंगे वो HDHMR, इसको HDF भी बोलते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी फाइबर वुड। दोस्तों, ये वाला जो है एंटी टर्माइट और वाटर रेजिस्टेंस और बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसको भी आप शटर्स बनाने में काम में ले सकते हैं। इस वाले प्रोडक्ट की क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है तो इसको आप कई बार कैबिनेट बनाने के अंदर भी काम में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको वजन ज़्यादा रखना है किसी मतलब कैबिनेट के अंदर, नॉर्मल वेट के लिए 2 फिट बाय 2 फिट का कैबिनेट है वहाँ तक ठीक है, अगर ज़्यादा वजन वाला कैबिनेट बनाना है तो फिर आप प्लाईवुड काम में लें। इसके अंदर भी क्या है कि सरफेस काफ़ी स्मूथ रहता है और ये प्लाईवुड के कंपैरिजन में चीपर प्रोडक्ट है, तो इसको भी आप जो है अपने किचन के अंदर शटर्स को बनाने के अंदर काम में ले सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ये रहता है कि जो MDF और HDF है इनके अंदर स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी कम रहती है, मतलब स्क्रू निकल जाएगा बार बार, ऐसा हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने मॉड्यूलर फर्नीचर बनवाया है तो उसके अंदर MDF और HDF में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कारपेंटर से आप फर्नीचर बनवा रहे हैं तो MDF HDF में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्रॉपर मशीनरी नहीं होती उनके पास में यूज़ करने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो प्लाईवुड है। ये मेरा पर्सनली फेवरेट प्रोडक्ट है, मतलब किचन में आने के लिए अगर हमें काम लेना है, या अगर इसको ड्यूरेबिलिटी वाइज देख लो, स्ट्रेंथ वाइज देख लो, वाटरप्रूफिंग वाइज देख लो, बस सिर्फ इसमें एक ही जो ड्रॉबैक है वो टर्माइट का है। टर्माइट इसके अंदर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपके घर में टर्माइट की प्रॉब्लम है, तो वरना इस प्रोडक्ट का कोई मुकाबला नहीं है किचन में काम में लेने के लिए। दोस्तों, ये जो है हमें ध्यान रखना है कि हमें 710 ग्रेड का ही मतलब प्लाईवुड काम में लेना है, मरीन ग्रेड जिसको हम बोलते हैं, IS 710। इसमें क्या है, दो तरह के प्लाईवुड आते हैं, कॉमर्शियल ग्रेड आती है, MR ग्रेड आती है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट वो 303 आती है, उसको हमें किचन में काम में लेना, हमें किचन के अंदर हमेशा 710 ग्रेड ही प्लाई काम में लेनी है। अगर आप कॉस्टिंग की बात करो तो जो है प्लाईवुड वो है 80-85 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेकर के 150 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक आता है, अलग अलग ब्रांड में डिपेंड करता है। अगर आप सेंचुरी या बड़े ब्रांड पे जाओगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा अपने को, और अगर नॉर्मल विगमैन या कोई लीजेंड या इस तरह की छोटी कंपनीज पे जाओगे तो आपको सस्ता प्लाई मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें जो है प्लाई के अंदर थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसके ऊपर जब लेमिनेट लगाते हैं, अगर वो कारपेंटर के द्वारा लगाई जा रही है, तो कभी कभी उसके अंदर जो है इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती, मतलब इतनी स्मूथनेस नहीं आ पाती, कई बार लहर दिखती है। तो अगर आप उसको फैक्ट्री मेड बनवाओगे, मॉड्यूलर में बनवाओगे, तो आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, आप अपने किचन के अंदर कैबिनेट बनाने के लिए प्लाई काम में ले सकते हो। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये WPC मटेरियल के बारे में। ये जो है वुड पॉलीमर कंपोजिट है, आपने हो सकता है इसके बारे में सुना हो, ये प्लास्टिक बोर्ड इसको बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली दो वैरायटी आती है, एक तो वुड पॉलीमर कंपोजिट आता है, एक PVC बोर्ड आता है। जो PVC बोर्ड होता है वो तो सेलुलोस बेस्ड होता है, मतलब उसमें सिर्फ कैल्शियम बेस्ड बोर्ड रहता है, उसमें वुड पार्टिकल मिक्स नहीं होते। तो अगर आपको किचन के अंदर काम में लेना है WPC मतलब PVC वाला बोर्ड, प्लास्टिक बोर्ड, तो आप WPC काम में लो, वुड पॉलीमर कंपोजिट वाला। और इसको जो है आप तो अपना सिंक वाला जो एरिया बना रहे हो, या सिंक का कैबिनेट बना रहे हो, या फिर RO का कैबिनेट बना रहे हो, उसके अंदर आप WPC को काम में ले लो। बाकी जगह पे आप जहाँ पे स्ट्रेंथ अपने को ज़्यादा चाहिए वहाँ प्लाईवुड काम में ले लो।
इसके अंदर काम में लेते टाइम हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें अलग अलग डेंसिटी आती है, मतलब 0.4 से डेंसिटी स्टार्ट हो जाती है WPC बोर्ड की। तो हमें किचन के अंदर जब काम में लेना है कैबिनेट में या शटर में, तो हमेशा 0.6 डेंसिटी या 0.5855 डेंसिटी से कम हमें काम में नहीं लेना है। जितनी अच्छी डेंसिटी होगी उतनी क्या होगा, इसका स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, तो बाद में आपका पल्ला लूज़ वगैरह नहीं होगा। तो दोस्तों एक और प्रोडक्ट है इसके अंदर, इसको पार्टिकल वुड बोलते हैं। ये मैं पर्सनली आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किचन जो है अपनी पार्टिकल वुड पे बनवाएं। अगर आपको 2-3 साल 4 साल के लिए अपने किचन को बनवाना है और सबसे इकोनॉमिक बनवाना है तो आप पार्टिकल काम में ले सकते हो, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि पार्टिकल वुड को आप काम में लो। ये काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है, मतलब प्लाई से तो लगभग आधी कॉस्ट का पड़ता है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी भी उतनी नहीं आती है। दोस्तों आखिर के अंदर मैं आपको एक सीमेंट बोर्ड के बारे में बताना चाहूँगा। जब हम सेमी मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, अगर आप सेमी मॉड्यूलर फुली मॉड्यूलर के बारे में डिफरेंस नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर मेरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। सेमी मॉड्यूलर किचन में बेसिकली क्या है, मार्बल का स्ट्रक्चर बनता है, तो मार्बल के रिप्लेसमेंट में आजकल जो है सीमेंट बोर्ड भी काम आ रहा है। अगर आप चाहें तो जो है मार्बल को काम में नहीं लेके सीमेंट बोर्ड काम में ले सकते हैं। और ये जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है और इजी टू यूज़ है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी बैठ जाती है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। और अगर आप चाहें तो मार्बल भी काम में ले सकते हैं, मार्बल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात उसके अंदर किस तरह से स्लीव नट के थ्रू फिटिंग होनी है, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता पाऊँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्बल स्ट्रक्चर की किचन के ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके ऊपर मैं कंप्लीट नहीं पूरी वीडियो बना सकता हूँ। दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको सभी प्रोडक्ट जो हैं समझ आ गए होंगे किचन के अंदर कौन कौन से मटेरियल आ रहे हैं और आपको कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहिए। ये जो मटेरियल है सभी अच्छे हैं, मतलब सभी प्रोडक्ट जो हैं अपने अपने यूज़ के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन जब हम किचन बना रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें ड्यूरेबल प्रोडक्ट लेना है। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज अगर अपन देखें तो बेस्ट ड्यूरेबिलिटी जो रहती है वो प्लाईवुड की रहती है और WPC की रहती है। तो आप प्लाईवुड WPC के अंदर जो है किचन प्लान करें, आप पार्टिकल वुड पे मत जाएं। MDF पे आप कुछ कुछ पार्ट शटर्स वगैरह बना सकते हैं, HDF पे शटर्स वगैरह बना सकते हैं, बाकी मैक्सिमम जो है कोशिश करें कि आप प्लाईवुड या फिर WPC का ही किचन प्लान करें। थैंक यू दोस्तों।